देवर्षि नारद जी की शिक्षा से उल्टे बाली के मन में शत्रुता का ऐसा बीज पड़ा जो बिना किसी विलंब के अंकुरित होकर कुकृत्य रूपी फल देने वाला पाप वृक्ष बन गया। किंतु हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, नारद जी तो देवर्षि है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वो जो करते और कहते हैं उससे अंततः देवताओं और लोक का कल्याण ही सिद्ध होता है, किंतु उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं और प्राणियों का अहित कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुनिवर नारद की शिक्षा के तत्काल परिणाम से बाली ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला से जलने लगा। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अजन्मे शिशु की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुझे ऐसा रसायन चाहिए जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाए। देखिए युवराज, इस डिबिया में मैंने स्वर्ण, रजत, लौह और पारा पंच धातुओं की भस्म को मिलाया है, और इसके अतिरिक्त मैंने इसमें विषैली लूता अर्थात जंगली मकड़ी के विष को भी मिलाया है। अब ये विष ऐसा तैयार हो गया है जो तत्काल मृत्यु को देने वाला है, और इसका लक्षण भी ऐसा होगा के अच्छे से अच्छा वैद्य भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस विष की प्रकृति क्या है। उपचार तो दूर की बात है युवराज। महारानी के लिए खीर बन गई, ठंडी होने के लिए रख दो। बाली अपने प्रतियोगी को जन्म लेने से पूर्व ही मार देने का हठ ठान चुका था। एक बार असफल होने पर भी उसने हार ना मानी और दूसरे दिन भोर में नमः शंभवाय च मायो
पुरोहित जी कहां चले गए आज? लगता है इस स्थान से अपरिचित हैं आप। भूल तो हुई है, यदि पुरोहित जी यहां होते तो महारानी को खीर का दोना नहीं संपूर्ण पात्र ही सौंप देते